घर पर छोटा विंड पावर प्लांट बनाने के लिए एक 12 वोल्ट का डीसी मोटर लेंगे, जिसको कि हम जनरेटर की भांति यूज करेंगे, और एक 25 mm का पीवीसी पाइप लेंगे जिसमें ग्लू और क्लैंप की मदद से इस तरह फिक्स कर लेंगे। जब तक स्क्रू को टाइट कर रहे हैं तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जनरेटर से 30 mm नीचे पाइप में एक 10 mm का होल कर लेंगे। पाइप को 400 mm लेंथ में कट कर लेंगे। पाइप के पीछे साइड में मार्कर की मदद से मार्क करके कट करेंगे और इसमें एक काउंटर वेट लगाएंगे। ये देखिए हमारा होल कट होकर के तैयार हो गया। अब कार्डबोर्ड को इस प्रकार से मेजर करके एक काउंटर वेट की शेप में बना लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से नाप लेंगे बराबर में। अब ग्लू की मदद से इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। अब होल में जो 10 mm का होल किया था उसमें नट बोल्ट टाइट करेंगे और उसमें एक 25 mm की बियरिंग को फिक्स करेंगे। तो बियरिंग फिक्स हो चुकी है। अब एक 40 mm के पाइप से 25 mm पाइप में कनेक्ट करने वाला रेड्यूसर लेंगे। रेड्यूसर को बियरिंग में इस तरह से फिक्स करेंगे। देखिए फिक्स हो रहा है। ऐसा फिक्स करने के बाद ऐसे घुमा करके देख लेंगे, फ्री मूवमेंट हो रहा है। और रेड्यूसर में जो मेन स्टैंड है उसमें जो बड़ा है उस स्टैंड वाले पाइप में लगा करके चेक कर लेंगे। अब एक 12 इंच का ब्लेड चाहिए जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो हमने फैन के ब्लेड से निकाला। इस ब्लेड को बड़े आसानी से फैन से निकल जाता है, आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। ये देखिए इसका साफ थोड़ा पतला था तो उसमें एक स्लीव एक पाइप डाल करके ग्लू लगा करके हमने फिक्स कर दिया। अब मोटर के ऊपर 40 mm पाइप के को इस प्रकार से काट करके एक कैनोपी लगा लेंगे। ये रेन प्रोटेक्शन के लिए है, जब पानी बरसेगा तो आपके जनरेटर में पानी जाएगा नहीं, वाटर प्रूफिंग के लिए कैनोपी के तरह एक सेट के तरह काम करेगा। और इस प्रकार से चार ब्रिक को रखना है। फिर इसमें सीमेंट चाहिए। सीमेंट की मदद से ये पाइप का एक स्टैंड बना लेंगे, इसमें बीचों बीच पाइप को लगा देंगे। ये देखिए ये हमने लगा दिया। अब इसके टॉप में वो जो जनरेटर सेट बना हुआ है हमारा पूरा असेंबली, उस असेंबली को फिक्स कर देंगे। ये देखिए ये फिक्स हो गया। अब हमारा जनरेटर रेडी हो गया है। इसको आप उपयोग कर सकते हो। कभी कभी होता है कि तूफान आदि आ रहा है उस समय पावर कट हो जा रहा है लेकिन घर में पावर नहीं है, तो इसकी मदद से अच्छा खासा पावर जनरेट कर सकते हैं आप, अगर घर में इस प्रकार का डिवाइस बनाते हैं तो। क्योंकि सबके यहाँ पावर नहीं रहेगा, आपको इन्वर्टर की भी जरूरत नहीं है, बैटरी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उस टाइम थंडर स्टॉर्म होता है, हवा तेज चलती है, तो पावर जनरेट होता रहेगा आपको, मतलब मिनिमम पावर मिल जाएगा। जैसे मोबाइल चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है, इस टाइप से आप कर सकते हैं। देखिए मल्टीमीटर की मदद से मैं वोल्टेज मेजरमेंट कर रहा हूँ, 12 वोल्ट पूरा पूरा आ रहा है। जैसे जैसे स्पीड कम हो रहा है वोल्टेज डाउन हो रहा है। ये एलईडी लाइट है, इस जनरेटिंग वोल्टेज की मदद से हम एलईडी
जला रहे हैं। देखिए ऑन हो रहा है और ये SQL 15,000 वोल्ट का किट है। इसके इसके हेल्प से जो है वोल्टेज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। और चार्जर के किट में जो चार्जर आप ओपन करेंगे तो चार्जर के अंदर एक जो कार्ड होता है उस कार्ड को सप्लाई दे सकते हैं और उसके हेल्प से मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। देखिए ये लगा दिया हमने, अब ये चार्जर के जो किट है चार्जर किट में सोल्डर कर देते हैं। देखिए कितना बढ़िया चल रहा है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हवा आएगा वो ऑटोमेटिक उस डायरेक्शन में चला जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए चार्जिंग किट, इसमें हमने सोल्डरिंग कर दिया। अब चार्जर बन के रेडी है, बस जस्ट USB केबल लगाना है इधर और उधर मोबाइल में लगाना है। इसके लिए एक बॉक्स में रख लेंगे, एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाएगा और आपका एक पोर्टेबल पावर प्लांट बनकर रेडी है। इसको घर में जहां पर हवा आ रही है विंडो में बालकनी में वहां पर फिक्स कर सकते हैं और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।